हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ए आर सी ब्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि अब हम किस बाइक के रिलेटेड रिव्यू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ बाइक के रिलेटेड। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि इंडिया में 2021 में जो 125cc सेगमेंट है बाइक का, उनमें से जो टॉप 5 सेलिंग बाइक होता है, उनमें से वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल या वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बाइक अपनी सीबी शाइन है, जो कि उसमें नंबर 2 पर है। आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं, उसमें आपको इसका सेलिंग रेशियो दिख जाएगा। सो गाइज, बने रहिए वीडियो में, आगे मैं आपको फुल एक्सप्लेन करता हूँ इसके बारे में, डिटेल्स क्या है इसमें, फीचर्स क्या है। तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और चलिए मिलते हैं अभी वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर बाइक इंट्रोड्यूसिंग टू यू। दिस इज 2021 BS6 होंडा शाइन 125cc इन ब्लैक कलर। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, मैं 360 व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपकी बाइक दिखती कैसी है। और साथ ही मैं आपको बाइक की ओवरऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। आपको इस बाइक में प्रोवाइड किया जाता है लेन 2046 mm का। देन इसका विड्थ आपको प्रोवाइड किया जाता है 737 mm का। देन इस बाइक का हाइट आपको प्रोवाइड किया जाता है 1116 mm का। देन इस बाइक का आपको ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है 162 mm का। देन इस बाइक का व्हील बेस आपको प्रोवाइड किया जाता है 1285 mm का। देन इस बाइक का टोटली कर्व वेट आपको प्रोवाइड किया जाता है 115 kg का। सो गाइज, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ टोटल फीचर्स। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट में वाइजर पे आपको होंडा की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है। देन ठीक उसके नीचे आपको क्रोम की फिनिश प्रोवाइड की जाती है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन आपका हैलोजन में हेडलैम्प फ्रंट का। देन ये बल्ब में टर्न इंडिकेटर, दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव टर्न इंडिकेटर दिखते हैं। देन फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जाता है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन आपका रिफ्लेक्टर। देन इसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड किए जाते हैं MRF की तरफ से। स्क्रीन के ऊपर आप टायर रेशो और व्हील साइज देख रहे होंगे, ये देखिए। देन इसमें फ्यूल टैंक के ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग दिखाई देती है। देन इंजन में आपको 124cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक BS6 इंजन होंडा की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, जिसका 12 पर सिलेंडर है। इसका रेशो और मैक्सिमम टॉर्क पावर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। देन आपका इंजन कॉल पे होंडा की ब्रांडिंग। देन आपका 5-स्पीड ट्रांसमिशन। देन यहाँ पर साइड पैनल पे क्रोम की फिनिशिंग, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 125cc की ब्रांडिंग, ये देखिए। देन आपका चेन केस, वीडियो के अंदर देख सकते हैं ब्लैक कलर में। देन रियर में आपको प्रोवाइड किया जाता है होंडा की तरफ से हाइड्रोलिक टाइप का सस्पेंशन, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन बैक साइड पे शाइन की ब्रांडिंग, ये आपका साड़ी गार्ड होगा, फाइबर की फिनिशिंग के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर आपका सीट ओपन करने का लॉक अनलॉक स्विच। देन आपका टर्न इंडिकेटर बैक साइड का बल्ब में, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। और टेल लैम्प के ऊपर, रियल टेल लैम्प के ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग दिखाई देती है। आपका बल्ब में हेडलैम्प, ये आपका रेड कलर का रिफ्लेक्टर, ये बैक साइड का बम्पर काफ़ी वाइड मिलता है आपको, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन दिस साइड आपको शाइन नैम की ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है, ये आपका सस्पेंशन। देन यहाँ पर आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है। और टायर का साइज और व्हील का रेशो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा हूँ, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। आपका एग्जॉस्ट, ये देखिए। देन दिस साइड पैनल पर आपको 125cc HET BS6 की ब्रांडिंग। देन ठीक उसके नीचे ESP उसकी ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है। देन दिस साइड भी आपको क्रोम की फिनिश दिखाई देती है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन ये फ्यूल टैंक के ऊपर दिस साइड आपको होंडा की ब्रांडिंग मिलती है, ये देखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। एंड दिस साइड आपका किक, इंजन कॉल पे होंडा की ब्रांडिंग, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन आपका कैटेलिक कन्वर्टर BS6 का। देन आपको यहाँ पर आपका रिफ्लेक्टर एंड फ्रंट में आपको प्रोवाइड किया जाता है डिस्क ब्रेक, जो 240 mm का डिस्क ब्रेक प्रोवाइड किया जाता है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन हैंडल की बात करें तो राइट साइड को आपको प्रोवाइड किया जाता है आपका पास स्विच एंड हाई बीम लो बीम एक ही स्विच में, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। देन टर्न इंडिकेटर स्विच है आपका,
देन उसके बाद हॉर्न का स्विच, देन ये आपका प्लस का लीवर, देन दिस साइड आपका फ्रंट डिस्क ब्रेक का ऑयल स्टोरेज, ये देखिए। देन आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच और स्टार स्विच की स्विच में प्रोवाइड किया गया है होंडा की तरफ से। देन आपका फ्रंट ब्रेक का लीवर, देन आपके हैंडल बार के बीच बीच आपको हीरो के ब्रांडिंग प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। देन मीटर कंसोल की बात करें तो आपको इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, आपका मीटर कंसोल टोटली अलग में प्रोवाइड किया गया है, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। ये आपका फ्यूल गेज, न्यूट्रन का लाइट, इंजन मैल फंक्शन लाइट, दिस साइड टोटली एनालॉग में आपको प्रोवाइड किया गया है। देन इसमें आपको 10.5 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी प्रोवाइड किया जाता है। देन इसकी सीट की बात करें तो काफ़ी स्मूथ पंचिंग और काफ़ी कम्फर्टेक सीट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं होंडा की तरफ से, काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है बाइक को 125cc के अंदर, वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं। बात करते हैं इसकी ग्रिप फ्रेम हैंडल की, तो आपको इसमें बॉडी कलर ब्लैक कलर का ग्रिप फ्रेम हैंडल प्रोवाइड किया जाता है बैक साइड का। इसमें काफ़ी अच्छी ग्रिप दिखती मिलती है पैसेंजर के लिए और लुक में काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दिखता है। ओके फ्रेंड्स, तो फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे कमेंट करते रहिए कि आपको और कौन से बाइक के रिलेटेड वीडियो देखना है, मैं जरूर आपके लिए वो लेके आऊँगा। तब तक कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, देन सी यू इन योर नेक्स्ट वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।